हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है संयम बड़ोला और आज डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। यार सबसे पहली चीज़, ये वाला जो लेक्चर है ना बहुत सिंपल सा है और एक्सरसाइज 5.8 क्लास 12 एनसीईआरटी की इसी पे बेस्ड है। उसका नाम है रॉलीज थ्योरम। तुम लोगों ने एक्सरसाइज 5.7 तक सारी तुमसे अटेम्प्ट हो जाएगी। ये पांचों वीडियो कभी तुमने डिफरेंशिएबिलिटी के देख लिए होंगे। तो 5.2 डिफरेंशिएबिलिटी का वो जनरल जो पहला लेक्चर है उसी से बन गई होगी। 5.3, 5.4 बाकी के जो दो वीडियो सेकेंड और थर्ड उससे हो गया होगा। पैरामेट्रिक वाली एक्सरसाइज 5.6 है, पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, और 5.7 एक्सरसाइज में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब ये जो है रॉलीज थ्योरम, तो यार इसको समझते हैं क्या होता है रॉलीज थ्योरम। ओके, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, एनसीईआरटी में जो लिखा है वही मैं बता रहा हूँ। ओके, बहुत कॉमन सेंस की बात है। रॉलीज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या लिखी है जो तुम लोगों की किताब में, वो ये लिखा है कि मान लो कोई फंक्शन है f, ओके, a से b में, मतलब उसकी डोमेन हो गई a से b, को डोमेन हो गई उसकी r, क्लियर। कोई फंक्शन डिफाइन है a से b टू r, ओके। अब इन्होंने अपने को तीन चीज बोल दी। पहली चीज कि ये जो फंक्शन है f, ये जो फंक्शन है f, ये कंटिन्यूअस है, ए से बी क्लोज्ड इंटरवल में। मतलब जो फंक्शन की डोमेन है उसमें फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। सेकेंड चीज इन्होंने ये बोल दी कि ये जो फंक्शन है एफ, ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए टू बी। ओपन इंटरवल क्यों लिख रहा हूं समझना। पहली चीज, डेरिवेटिव कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जो एंड पॉइंट होते हैं डोमेन के, जो आखिरी के पॉइंट होते हैं, ये डोमेन ए से बी है। तो कभी मैं कोई ग्राफ देखूं, मान लो ये फंक्शन है, तो ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, तो यार फंक्शन डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए से बी में होगा। फंक्शन कंटिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में, क्योंकि ए पे भी फंक्शन कैसा कंटिन्यूअस है, बी पे भी फंक्शन कैसा कंटिन्यूअस है। ओके, पर ये कौन सी चीज, डिफरेंशिएबल की बात की जा रही है, तो वो एलएचडी और आरएचडी देखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव बिल्कुल निकलेगा। ऐसे ही बी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल जाएगा मगर राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। तो ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल कहां से कहां तक है, ओपन इंटरवल ए से बी। तो एक चीज अपनी नोटबुक में लिख लेना कि एंड पॉइंट्स पे, किसके एंड पॉइंट्स पे, डोमेन के एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्लिक हो गया ग्राफ देख के, समझ में भी आ गई। चलो अब एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। तीसरी चीज रॉलीज थ्योरम ने बोला कि कभी एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है, तो कभी ये तीनों कंडीशन होल्ड कर रही है, तो रॉलीज ने क्या कहा कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी। ओके, कोई नंबर होगा सी जो लाई करेगा बिटवीन ए टू बी। ओके, जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू जीरो होगी। क्या बोल दिया सर, कुछ समझ में नहीं आया कि समझ में आ गया, तो देखते हैं। क्या बोला मैंने कि कोई ऐसा नंबर सी एग्जिस्ट करेगा जो ए और बी के बीच में है, और जहां पे फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे एफ डैश सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब वहां पे एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट तुम ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि मैंने ग्राफिकल अप्रोच बताया था ना डिफरेंशिएबिलिटी का, वो यूज होगा यहां पे समझने के लिए। तो देखो इसी ग्राफ को अपन देखते हैं। ये जो ग्राफ बनाया मैंने, अब इसमें एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है क्या, नहीं है। तो अपन एक ग्राफ बना लेते हैं जहां पे ये तीनों कंडीशन होल्ड हो,
फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ए से बी, ये हो गया फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी, ए से बी में फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, कोई शार्प पॉइंट नहीं है, है ना, हर जगह तुम हर पॉइंट पे ए से बी में ग्राफ को देखोगे तो एक यूनिक टेंजेंट बना सकते हो हर पॉइंट को, जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रही है ना बातें। चलो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है, चलो तीनों कंडीशन हो गई, तो यहाँ पे रॉलीज लग जाएगी, ये तीनों कंडीशन जब होल्ड होगी तभी तुम रॉलीज थ्योरम लगा सकते हो। रॉली ने क्या कहा कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी सच दैट सी बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, ये जो सी है वो क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में लाई कर रहा है, ओके, एंड एफ डैश सी बराबर जीरो, वहां पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू है उस पॉइंट सी पे क्या होगी, वो जीरो होगी। तो देखो यार यहाँ पे एक सी एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, सी बिलोंग्स टू ए टू बी है ना, इसको तुम ओपन इंटरवल लिख दो क्योंकि ए और बी तो नहीं होगा वो सी, तो ओपन इंटरवल ए टू बी, एंड एफ डैश सी बराबर जीरो, एफ डैश सी बराबर जीरो, इसका डेरिवेटिव इस कर्व पे डेरिवेटिव डालना है सी पे, तो सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और सी पॉइंट पे टेंजेंट देखो कैसी आ रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब टेन थीटा की वैल्यू जीरो, मतलब एफ डैश सी की वैल्यू कैसी है, जीरो, क्लिक हो गई बात। तो ये कहानी थी रॉलीज थ्योरम की, इतनी सी बात की रॉलीज ने, कॉमन सेंस है यार, मतलब कभी भी फंक्शन की वैल्यू जैसे एफ ऑफ ए इक्वल आ रहा है एफ ऑफ बी से, है ना, और ए छोटा नंबर है बी से, ओके, जैसे ए छोटा नंबर है बी से, ए से बी अपन ने फंक्शन को डिफाइन किया, ऑब्वियस सी बात है जो पहले लिखा है वो छोटा होगा, तो एफ डैश सी एक ऐसा होगा जो सी नंबर है वो ऐसा होगा ए और बी के बीच में जहाँ पे एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बस इतना तुम नोट कर लो, ये रॉलीज थ्योरम ने कहा था, ओके, समझ में आ गई सारी बातें, एक बार वापस से बताओ क्या 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 बात, फंक्शन कभी कंटिन्यूअस है ए से बी में, फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए टू बी, और उसकी लोअर लिमिट जो डोमेन में एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी आ गया, तो देयर एग्जिस्ट नंबर सी जो ए और बी के बीच में लाई करेगा जहां पे एफ डैश सी बराबर क्या होगा, जीरो होगा, एक ग्राफ ये हो गया, एक ये भी हो सकता है, ये तुम्हारा ए पॉइंट है, ये तुम्हारा बी पॉइंट है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हो गए, देख लो एफ ऑफ ए और यही एफ ऑफ बी भी है ना, दोनों यही है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो गए, तो देयर एग्जिस्ट नंबर सी सच दैट एफ डैश सी बराबर जीरो, ओके, एक ये भी हो सकता है इस तरीके का, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये तुम्हारा ए है ये तुम्हारा बी है, तो यहां पे दो नंबर ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपन ने क्या बोला देयर एग्जिस्ट अ नंबर, एक नंबर तो मिनिमम एग्जिस्ट ही करेगा, यहां पे ए और बी के बीच में दो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक मान लो सी एक मान लो डी, जहां पे क्या हो रहा है तुम्हारा एफ डैश सी भी जीरो है, एफ डैश डी भी जीरो है, क्योंकि वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है, ओके, तो ये सारे ग्राफ ये वाला ये वाला ये वाला रॉलीज थ्योरम को जस्टिफाई करते हैं, क्लिक हुई नोट करो। अब ऐसी ही एक और थ्योरम है जो है मीन वैल्यू थ्योरम, ओके, समझते हैं इसको भी, मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है, तो यार मीन वैल्यू थ्योरम तुम्हें बोलता है कि मानो कोई फंक्शन है, ओके, फंक्शन है एफ डिफाइन हो रहा है ए से बी टू आर, ओके, वो फंक्शन
जो फंक्शन f है वो कंटिन्यूअस है a से b में, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a टू b, और वो फंक्शन जो मैंने एक कंडीशन बताई थी रॉलीज में f ऑफ a बराबर f ऑफ b, यहां पे f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। कभी f ऑफ a बराबर हो जाता f ऑफ b तो अपन रॉलीज थ्योरम लगा देते, कभी f ऑफ a बराबर नहीं है f ऑफ b के तो मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर c, ओके, देयर एग्जिस्ट अ नंबर c such that there exists a number c such that f dash c, there exists a number c such that f dash c बराबर, ओके, ये जो f dash c है वो होगा बराबर f of b minus f of a अपॉन बी माइनस ए, और ये जो सी होगा ये बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। ओके, क्या कहा मैंने, ग्राफ से समझते हैं, ये कोई तुम्हारा फंक्शन है ऐसा, ये तुम्हारा ए पॉइंट है, ये तुम्हारा बी पॉइंट है, ये तुम्हारा एफ ऑफ ए होगा और ये तुम्हारा एफ ऑफ बी होगा। तो जो f डैश c मतलब ये तुम्हारा c पॉइंट है, ओके, ये तुम्हारा c पॉइंट है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर c सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। अब ये कैसे आया समझो यार, इस कर्व पे मैंने सीकेंट ड्रॉ करी, ओके, ये सीकेंट का स्लोप, ये सीकेंट का स्लोप दैट इज tan थीटा, tan थीटा के लिए ये जो सीकेंट है बेसिकली ये तुम्हारी सीकेंट है ना, जिसका ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, b कॉमा f ऑफ b, मान लो ये a पॉइंट है ये b पॉइंट है, और जो a के कोऑर्डिनेट है दैट इज a कॉमा f ऑफ a, ओके, तो ये जो a b सीकेंट है a से b जो मैंने ज्वाइन किया है, ये जो सीकेंट है इसका मैं स्लोप निकालू, ओके, स्लोप ऑफ ए बी दैट इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो वाई टू माइनस वाई वन ये क्या हो रहा है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, कोई दिक्कत, स्ट्रेट लाइन में तुम लोग सब एक्सपर्ट हुई, तो ये स्लोप ऑफ ए बी लिखना आ गया। अरे सी पॉइंट, देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी सच दैट f डैश c, ये यार एक तो ऐसा पॉइंट होगा जो पैरेलल होगा सीकेंट के, तो मैंने c पॉइंट मान लिया, जहां से तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल होगी ये वाली लाइन के जो अपन ने सीकेंट ड्रॉ करी है ना उसके, ये इस पॉइंट पे मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ करी वो पैरेलल है सीकेंट के, तो स्लोप बेसिकली क्या होता है tan थीटा, और डेरिवेटिव की वैल्यू भी क्या होती है tan थीटा के बराबर, तो f डैश c बेसिकली इक्वल क्या हो गया स्लोप ऑफ ए बी के, और स्लोप ऑफ ए बी क्या है fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, ये कहानी थी, समझ में आई, नहीं आई तो एक बार और सुन लो, ये तुम्हारा कर्व था, ओके, ये तुम्हारा कर्व था ऐसा, ये कर्व था, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ए के कोऑर्डिनेट ए कॉमा एफ ए, बी के कोऑर्डिनेट बी कॉमा एफ बी, ये मैंने सीकेंट ड्रॉ करी ए और बी को ज्वाइन करके, तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी, कोई तो एक ऐसा नंबर होगा जिस पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल होगी सीकेंट से, है ना, ऑब्वियस सी बात है यार, यहां पे तो अपन ने मान ली सी पॉइंट ऐसा है
जहाँ पे कभी मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो पैरेलल है सीकेंट के। ओके, तो एफ डैश सी बराबर स्लोप ऑफ ए भी, तो उससे अपना ये आ गया। तो ये अपने को बोला था मीन वैल्यू थ्योरम ने कि एफ डैश सी की वैल्यू ये होती है और सी बिलोंग्स टू ए टू बी ओपन इंटरवल। बस इस तरीके के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.8 में, मैं कुछ ले लेता हूँ वेरिफिकेशन करने वाले तो तुमको आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो ये नोट कर लो भैया मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, एक टर्मिनोलॉजी तुमको आएगी एक्सरसाइज सॉल्व करते, कन्वर्स ऑफ रॉलीज थ्योरम। तो कन्वर्स वाली बात कुछ होती नहीं है। ओके, रॉलीज थ्योरम का कन्वर्स सही नहीं होता है। अब कन्वर्स होता क्या है, तो पहले कन्वर्स समझ लो। कन्वर्स मतलब उसका उल्टा। कन्वर्स ये कह रहा है, ओके, कन्वर्स ये कह रहा है कि मान लो कोई फंक्शन है एफ, ए से बी डिफाइन है आर तक, ओके, और फंक्शन जो एफ है वो कंटिन्यूस है ए से बी में, जो फंक्शन एफ है वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए टू बी में। अब कन्वर्स मतलब क्या कि एफ डैश सी बराबर जीरो आ जाए और ये जो सी है वो बिलोंग्स टू ए टू बी आ जाए। पर ये तो तीनों चीज कभी हो गई, तो f of a should not be equal to f of b। कभी ये इक्वल आ जाता तो कन्वर्स ऑफ रॉलीज थ्योरम क्या हो जाती, ट्रू। पर f of a कभी f of b के बराबर नहीं आएगा, मतलब कुछ स्पेशल केस हो सकते कि आ जाए। ओके, पर जनरल स्टेटमेंट अपन बोल रहे कि कन्वर्स ऑफ रॉलीज थ्योरम, तो वो होल्ड नहीं करती है। ओके, डज नॉट होल्ड। गुड, ओके, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो कोई फंक्शन मैंने माना एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। ओके, ये फंक्शन अपन ने डिफाइन कर लिया माइनस थ्री से थ्री टू आर। ओके, तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, माइनस थ्री से थ्री कंटिन्यूस भी होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस माइनस थ्री से थ्री पॉलिनोमियल है तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल माइनस थ्री से थ्री। अब ये जो फंक्शन है एफ डैश सी अपन निकालते, पहले एफ डैश एक्स निकाला अपन ने, दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर। तो इसको कभी मैं एफ डैश सी बना दूँ तो ये बन जाएगा थ्री सी स्क्वायर बराबर जीरो, क्योंकि एफ डैश सी तुम्हारा क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो ये जो c की वैल्यू जीरो है ये माइनस थ्री और थ्री के बीच में, मतलब c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b, दैट इज c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस थ्री से थ्री। अच्छा, ये तो आ गया f डैश c की कहानी। अब अपने को ये चेक करना है कि f ऑफ a बराबर f ऑफ b, कभी f ऑफ a बराबर आ जाए f ऑफ b तो कन्वर्स ऑफ रॉलीज थ्योरम भी सही हो जाता है। तो f ऑफ a अपन देखते हैं, तो f ऑफ माइनस थ्री अपन ने देखा और f ऑफ थ्री देखा। तो माइनस थ्री अपन रखेंगे तो माइनस 27 बनेगा और f ऑफ थ्री रखेंगे तो 27 बनेगा। डज नॉट होल्ड। गुड, ओके, इसका मतलब क्या कि इस जगह पे माइनस 27 इज नॉट इक्वल टू 27, इसका मतलब f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। कन्वर्स ऑफ रॉलीज थ्योरम कैसी होल्ड नहीं कर रही है, समझ में आई बात, पक्का। तो ये नोट कर लेना। ओके, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो एफ डैश एक्स अपना निकलता 2x, 2x बराबर मतलब 2c बराबर 0, c की वैल्यू 0 बिलोंग्स टू माइनस 2 से 2, और माइनस 2 पे वैल्यू भी 4 है, 2 पे भी वैल्यू 4 है, तो कन्वर्स ऑफ रॉलीज थ्योरम वहाँ पे क्या हो रहा है, होल्ड कर रहा है। गुड, ओके, तो कन्वर्स ऑफ रॉलीज थ्योरम ऐसे चेक करना है, कभी होल्ड नहीं करेगा, कभी होल्ड कर जाएगा। कभी इसी की जगह में कभी एक्स स्क्वायर वाला एग्जांपल ले लेता तो फंक्शन इज कंटिन्यूस माइनस थ्री से थ्री,
फंक्शन इज डिफरेंशिएबल माइनस थ्री से थ्री, जो एफ डैश एक्स बनता वो क्या बनता 2x, c की वैल्यू तो तुम्हारी यही बनती क्योंकि ये बना तुम्हारा 2c और 2c बराबर 0 मतलब c बराबर 0। अब यहाँ पे f ऑफ a तुम्हारा बराबर आ जाता है f ऑफ b के, क्योंकि माइनस थ्री रखोगे तो भी 9 आएगा और 3 रखोगे तो भी 9 आएगा। तो इस केस में तुम्हारी रोलिस थ्योरम होल्ड कर रही है। तो चेक ऐसे करना है, ओके, स्टेप बाई स्टेप ये लिख देना, उसके बाद आखिरी में ये चीज़ चेक कर लेना कन्वर्स के केस में, ओके। रोलिस के केस में क्या करोगे, पहले f ऑफ a f ऑफ b निकाल लोगे कि f ऑफ a बराबर f ऑफ b है, तभी रोलिस थ्योरम लगती है, ओके। कभी f डैश c बराबर 0 आ गया तो कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम से चेक कर लेना, बात क्लिक हो गई पक्का। तो यार इस तरीके के क्वेश्चन है तुम लोगों के, ओके, एनसीईआरटी की बुक में, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ओके। एक क्वेश्चन में मीन वैल्यू थ्योरम का भी ले लेता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए, और एक रॉलिस का भी ले लेते, तो कन्वर्स का लिया अपन ने, एक रॉली का भी ले लेते और एक मीन वैल्यू थ्योरम का एनसीईआरटी से ही ले लेते हैं, ओके। तो नोट करो ये चीज। एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 4th है, वेरीफाई करनी है मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल a टू b वेर a बराबर 1 एंड b बराबर 4। तो सबसे पहले इस फंक्शन को देख लेते हैं, 1 से 4 में कंटिन्यूस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस होगा 1 से 4 में। पहली स्टेटमेंट, फंक्शन इज कंटिन्यूस 1 से 4, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल 1 से 4। इन्होंने तो बोल दिया मीन वैल्यू थ्योरम है, पर अपन f ऑफ 1 और f ऑफ 4 भी निकाल लो, कभी वो बराबर हो जाते तो रोलिस थ्योरम भी लग जाती है, ओके। इन्होंने लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है मीन वैल्यू थ्योरम का सवाल है, पर f ऑफ 1 अपने को बाद में तो निकालना पड़ेगा ही, तो अभी निकाल लेते हैं। 1 माइनस 4 माइनस 3 क्या हुआ, ये माइनस 6, और f ऑफ 4 16 माइनस 16 माइनस 3 दैट इज माइनस 3, ओके। तो ये f ऑफ 1 और f ऑफ 4 की वैल्यू निकल गई, f ऑफ 1 की वैल्यू आई माइनस 6 और f ऑफ 4 की वैल्यू आई माइनस 3, ओके। अच्छा, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम में क्या बताया था, f डैश x, पहले f डैश x अपन देखते क्या आ रहा है। तो f डैश x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4, क्लियर है, fx ये है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश c क्या आ गया, 2c माइनस 4। अब f डैश c का मीन वैल्यू थ्योरम से फॉर्मूला क्या निकला था, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, f ऑफ b कितना है दैट इज f ऑफ 4 माइनस 3 माइनस माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 1, तो ये हो गया 4 माइनस 1 3, माइनस 3 प्लस 6 गिव्स यू 3 अपॉन 3 दैट इज 1। तो f डैश c की वैल्यू आ गई 1, तो 1 बराबर 2c माइनस 4, तो ये तुम्हारा आ गया 5/2 बराबर c, c की वैल्यू क्या आ गई 5/2, तो c बराबर आ गया 2.5, इनके बीच में है, c बिलोंग्स टू क्या आया a और b के बीच में, यही बोला था मीन वैल्यू थ्योरम ने कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर इन बिटवीन a टू b वेर f डैश c बराबर क्या आएगा fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, तो वो अपन ने करके देख लिया। तो अपना ये जो c आ रहा है वो a और b के बीच में लाई कर रहा है, ऑब्वियस सी बात आ गई, तो हैंस वेरीफाइड, ओके। ये नोट कर लेना, इस तरीके से तुमको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ओके। तुम थोड़ा लिख देना क्योंकि बोर्ड में लिखना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से हर चीज़ को क्या निकाला उसके बाद क्या, ओके, समझ में आ गई ना बात, चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ एफ माइनस 5 to 5, ओके, ये उसकी डोमेन है, टू आर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनी वेयर देन प्रूव दैट एफ ऑफ माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो यार इसको प्रूव करना बहुत ईजी है, फॉर्मूले को ही देख लो,
कभी ये एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब ये वाली क्वांटिटी नॉट इक्वल टू जीरो, ये चला जाएगा इधर, एफ ऑफ बी शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, न्यूमरेटर में नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, देन ओनली तुम बोलोगे ना एल एच एफ में एफ डैश सी तुम्हारा दे रखा है क्वेश्चन में नॉट इक्वल टू जीरो, तो आर एच एफ में भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो पूरी एक्सरसाइज अपन ओरली कर सकते हैं। फिर कुछ ये पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई रॉलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट, एक्स बिलोंग्स टू माइनस फोर टू टू, और सेकेंड क्वेश्चन एक कन्वर्स वाला है। ओके, तो चेक कर लेना किस में कन्वर्स ऑफ रॉलीज थ्योरम हो रहा है, किस में कन्वर्स ऑफ रॉलीज थ्योरम नहीं लग रहा है। ओके, क्योंकि यूनिवर्सल स्टेटमेंट तो है नहीं कि कन्वर्स हमेशा सही होगा, कभी गलत भी होगा कभी सही भी होगा, तो वो चेक करना पड़ेगा तुमको देख देख के। ओके, तो अपन पहला क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, वेरीफाई करनी है रॉलीज थ्योरम। ओके, तो वेरीफाई करो रॉलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट, वेरीफाई करनी है रॉलीज थ्योरम को। क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 5.8 एनसीईआरटी। यार वेरीफाई करना है रॉलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट, एक्स बिलोंग्स टू माइनस फोर टू टू, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो फंक्शन कैसा होगा, पहली लाइन लिख देना कंटिन्यूस माइनस फोर टू टू, फंक्शन डिफरेंशिएबल है माइनस फोर से टू ओपन इंटरवल। थर्ड स्टेप एफ ऑफ माइनस फोर अपन ने निकाला, माइनस फोर पुट किया 16 प्लस माइनस एट माइनस एट दैट इज जीरो, एंड एफ ऑफ टू दैट इज फोर प्लस फोर माइनस एट वो भी जीरो, तो एफ ऑफ माइनस फोर बराबर एफ ऑफ टू आ गया। तो देयर एग्जिस्ट नंबर सी सच दैट एफ डैश सी कैसा होगा, जीरो होगा, तो इसका एफ डैश एक्स अपन ने निकाला और वो सी लाई करेगा माइनस फोर से टू के बीच में, तो टू एक्स प्लस टू, अब इसमें एफ डैश सी लगा दिया तो टू सी प्लस टू, उसको इक्वल टू जीरो कर दिया, तो टू सी प्लस टू बराबर क्या करा अपन ने, जीरो, तो c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन, c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन, तो माइनस वन देखो माइनस फोर से टू के बीच में लाई कर रहे हैं, तो माइनस वन बिलोंग्स टू माइनस फोर टू टू, हैंस वेरीफाइड हो गई रॉलीज थ्योरम। ओके, इतनी कहानी करनी थी बस, समझ में आया, तो करो यार खुद से पूरी एनसीईआरटी की बुक, और जो भी कंपटीशन लेवल पे बुक लगाते हो, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव सिंगे जो भी किताब आप लोग लगाते हो उसको भी अटेम्प्ट करो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को। ओके, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं दो तीन प्रैक्टिस सेशन वीडियो और बनाऊंगा जिसमें अपन और वैरायटी के डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू सो मच।